राधे राधे, बेसन में मैगी डालें और फिर कमाल देखें। बच्चे बड़े तो सभी दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही मजेदार और एकदम न्यू रेसिपी। बच्चों को टिफिन या ब्रेकफास्ट या शाम के इवनिंग नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत ही मजेदार रेसिपी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप बेसन को पानी में घोल के रख लिया था। तो यहाँ मैंने आधा कप बेसन लिया था। आप कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा गाढ़ा कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप बेसन और इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमें गाढ़ा, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से गाढ़ा बैटर तैयार करा है। तो यहाँ पे मैं आधा कप बेसन से छोटी सी फैमिली का नाश्ता पूरा हो जाएगा। बहुत ही मजेदार रेसिपी है और इसको मैं एक बार साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने मैगी ली है। मैगी में गरम पानी डाल देंगे और इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए भिगोना है, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं भिगोना है। अब इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। जब तक हमारी मैगी फूल जाएगी इसे बस हमें उबालना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए अब मजेदार रेसिपी, आसान सी, झटपट से बनने वाली मैं शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अब कुछ सब्जियां ली हैं। तो जैसे कि मैंने आधा कप बेसन को थोड़े से पानी में घोल के गाढ़ा सा रख लिया था। और यहाँ पे दो दो चम्मच हम सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ दो चम्मच यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, 2 चम्मच यहाँ पे प्याज ली है, 1 हरी मिर्च ली है और 1 छोटा टमाटर लिया है, थोड़े से कोन के दाने लिए हैं। ये सब चीज, कोन के दानों को मैंने उबाल लिया था, आप कच्चा भी डाल सकते हैं, मैंने वैसे उबाल के डाला है। तो सारी सब्जियों को मैं इसमें डाल दूंगी। यकीन करिए दोस्तों, इस तरह का नाश्ता आपने नहीं खाया होगा। अगर खाया है तो मुझे कमेंट में लिखिए, नहीं खाया है तो भी मुझे कमेंट में लिख के बताइए। चलिए अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ली है और यहाँ पे चाट मसाला लिया है 1/2 छोटा चम्मच। और यहाँ पे मैं 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला था, 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है। तो मसाला आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं और नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे, क्योंकि अभी हमने मैगी ली है, मैगी को पानी में भिगोया, उसमें भी मैगी में मसाला होता है, इसलिए नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक मैगी मसाले का पैकेट लिया है जैसे कि, तो यहाँ पूरा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूरा डाल दिया इस तरह से। अब ये सब चीजों को हमें मिलाना है। और इधर 5 मिनट हो चुके हैं, मैगी को मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 5 मिनट रख लीजिएगा, और लाइव वीडियो में अभी 5 मिनट में आप सबको पता है थोड़ा सा टाइम कम लगता है। तो यहाँ जितनी मेरी भीगी है मैं वैसे ही कर रही हूँ। 5 मिनट में मैगी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे गर्म पानी में मैंने डाली थी, फिर भी सॉफ्ट हो चुकी है। इसका हमें पानी निकाल देना है, पानी नहीं डालना है, इसको मैं छान लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से छन्नी से छान लिया इस तरह से, पानी नहीं जाना चाहिए, हमें बस मैगी मैगी चाहिए। तो यहाँ मैगी को डाल देती हूँ। अब सब चीजों को मिक्स करेंगे। बस अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, मीडियम साइज का बैटर तैयार करना है। तो यहाँ मैं 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। और बच्चे जो आजकल मैगी खाते हैं, आप इस तरह से आटे वाली मैगी भी ले सकते हैं, ये वाली मैदा वाली भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और यकीन करिए दोस्तों,
और इस तरह से मैगी खाने से आप देखेंगे बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है। जो मैगी नहीं खाता वो भी जरूर खाएगा। तो एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं, टिफिन में भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों के टिफिन में, या शाम को हल्की हल्की भूख से जब बच्चे खेल के आते हैं जब भी दे सकते हैं। तो यहाँ बस मैंने इसको कर लिया है, थोड़ा सा पानी और डाल दिया, थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो बस ये इस तरह से होना चाहिए। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं फटाफट से। हम इसको फ्राई नहीं करेंगे दोस्तों, कभी आप सोच रहे हो हम फ्राई करके बनाएंगे, बिल्कुल भी फ्राई करके नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे बहुत मजेदार सा। और स्किप डालने के बाद मैं सबके कमेंट का जवाब दूंगी। तो यहाँ हमने तवा रख लिया है, आप इसमें तो यहाँ मैंने तवा रख लिया है, तवे को हल्का सा बस ग्रीस करना है, बहुत ज्यादा ग्रीस नहीं करना है। अभी मैं सबके कमेंट पढ़ने वाली हूँ कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है, और उनको बहुत बहुत थैंक यू। अभी मैंने देखा नहीं है, सभी को मैं पहले भी थैंक यू दे देती हूँ और कह देती हूँ अगर आप हमारे फेसबुक पे नए हैं तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा, और पेज पे नए हैं तो फॉलो भी कीजिए। ऐसे ही यूट्यूब वालों को भी मैं कहती हूँ कि आप हमारे जरूर हमारे साथ जुड़िए, और साथ में एक बेल बटन होता है यूट्यूब पे, उसे जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए तो अब हमने रख लिया इसको, हम छोटे छोटे से इस तरह से बनाएंगे, एक साथ आप छोटे छोटे से तीन चार बना सकते हैं, आपका तवे के ऊपर है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है। आप देख रहे होंगे मैंने एक छोटा चम्मच ले रखा है, इस तरह से बस फैलाना है। और यकीन करिए दोस्तों मैं भी मैगी नहीं खाती थी पहले, पर मैंने जब एक बार इस तरह से ट्राई करके बनाया था बच्चों के लिए, क्योंकि हर रोज कुछ बच्चों को नया देना होता है, खाली मैगी भी नहीं दी जाती है, तब मुझे बहुत पसंद आया था, तभी मैंने सोचा आप लोगों के संग भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ इस तरह से डाल देना है, डालने के बाद में इसको हमें ढककर 5 मिनट से नीचे तक सेकना है। तो लाइव वीडियो में अभी टाइम तो है नहीं, आप सबको पता है, और आप देख रहे होंगे मैंने डाल दिया और अभी भी हमारा इतना सारा बैटर बच रहा है। तो इतने में जितना मैंने बताया इसमें 6 सिकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं सिकते हैं। अब आगे क्या करना है तो मैं इसको पलट देती हूँ। तो यहाँ हमने सेक के रखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, उधर भी मैं सेकने के लिए रख देती हूँ गैस पे, और ये मैंने सेक रखा है पहले से, वो मैं आपको दिखा रही हूँ हमें कैसे करना। अभी इसमें बहुत सारा काम है, हमें सिंपल नहीं करना, आप सबको पता है बच्चों को बिल्कुल अलग तरह से हम बना के खिलाते हैं जब ये अच्छा लगता है। अभी इसमें बहुत सारा चीज डालूंगी, आप देखेंगे क्या क्या मैं डालने वाली हूँ। और मैं इसे ढक देती हूँ साइड में जिससे कि ये भी अच्छे से पक जाए, और ये पलट के भी दिखाऊंगी आपको। अगर आपके पास ये वाला पैनकेक है तो पैनकेक में बना सकते हैं, और नहीं तो तवे पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से सेक के रखा है, आप देख रहे होंगे 5 मिनट से हो चुके हैं इधर इनको सिके हुए। अब इन्हें हमें पलट लेना है, तो ये पलटने में बहुत आसानी से पलट जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और हल्का सा पहले मैं घी लगा दूं क्योंकि हमें नीचे से भी सेकना है, तो बस हल्का हल्का सा घी लगा रही हूँ इस तरह से, और इन्हें पलट देती हूँ। और अभी बच्चों के लिए देखिएगा कितना मजेदार बनाऊंगी, आप भी सोचते रह जाएंगे हाँ बिल्कुल नया नाश्ता बताया है। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया है, और आप अपनी पसंद से हिसाब से जितना डार्क सेकना चाहते हैं उस हिसाब से सेक सकते हैं, जितना भी आपको सेकना है क्रिस्पी। तो यहाँ मैंने इस तरह से कर लिया है, और अब क्या करना है चलिए अब आगे बताती हूँ। जब तक ये इधर सीख रहा है इसको हल्का सा प्रेस भी कर देंगे जिससे कि नीचे का हिस्सा अच्छे से सीख जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, बच्चों की मनपसंद हमें सॉस लगानी है, थोड़ी थोड़ी सी, आप देख रहे होंगे मैंने एक छोटा सा ही पैकेट लिया है, बहुत ज्यादा नहीं लिया है। इस तरह से हम सॉस लगा देंगे, और दोस्तों एक बार जरूर बना के देखिएगा, जैसे मैं आपको कह रही हूँ मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये मैं सॉस लगा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक में ही काम हो जाता है, और ज़्यादा आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ बस हल्का सा इस तरह से फैला देंगे। अब इसके ऊपर नीचे से जब तक सीख रहा है तब इसमें अभी हमें और सामान डालना है, तो हम डालने वाले हैं
और इस तरह से हम बच्चों को मैगी बना के खिलाएंगे ना, और बड़ों को भी, सभी को। आप छोटी बच्चों की किटी पार्टी हो, उसमें इस तरह से बना के रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज लिया है, थोड़ी थोड़ी सी हम चीज डाल देंगे, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे कि आप सोचिए कि हमें बहुत ज़्यादा चीज की ज़रूरत है, नहीं, हल्का हल्का से ही डालेंगे और बहुत ही यम्मी लगता है। तो हर रोज मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लाती हूँ दोस्तों, तो आप लोग हर हमारी रेसिपी को सपोर्ट करा करिए, शेयर कीजिए। यहाँ मैंने अच्छे से चारों पे डाल दिया है, यहाँ मैंने इसको, गैस को आपको क्या करना है, मीडियम से लो पे सेकना है। अगर हम ज्यादा तेज पे सेकेंगे तो लाइफ में थोड़ा सा भी हमें तेज भी करना पड़ रहा है, जितना आप अच्छा सेकेंगे उतने क्रिस्पी बनते हैं। तो बस इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं सेकना है, और इसको 2 मिनट के लिए हमें ढक देना है। तो मैं इसको ढक देती हूँ, साइड से मैं इसको भी ढक देती हूँ। बस हमें चीज मेल्ट करनी है इसकी हल्की सी, नीचे से सिक जाएगा वो, आप देख लीजिएगा जब नीचे से सिक जाए। और जब तक मैं इधर वाले भी देख लेती हूँ, और अब कमेंट का जवाब देख रही हूँ फटाफट से, कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। जब तक नीचे से सिकेगा, जब तक मैं इसे देख लेती हूँ, ये मेरे चलिए इनको, अब मैं देखने वाली हूँ कौन कौन हमारे साथ है। जल्दी जल्दी से, कोई नया मेंबर है या सारे पुराने मेंबर आए हैं, तो मैं चेक कर रही हूँ सबको। हमारे संग आकाश गुप्ता जी हैं, मंजू कपूर जी हैं, रत्ना जी हैं, संतोष जी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं, आकाश गुप्ता जी हैं, शशि गोयल जी हैं, और ये सब हमारे साथ में जुड़े हैं। और कोई नया मेंबर है तो देख लेती हूँ। रत्ना जी हेलो, आप सबको राधे राधे। शशि जी ने राम राम जी लिखी है। जय माता दी लिखी उन्होंने, और रत्ना जी ने यमी लिखी है, रेखा जी ने भी यमी का एक भेज रखा है, आकाश जी ने कहा है कि हाँ लव अच्छी लग रही है, मतलब उनके हिसाब से। नीलम तिवारी जी जुड़ी है हमारे साथ में, बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। मोहम्मद जी जुड़े हैं, माशाल्लाह कह रहे हैं, थैंक यू आपको भी। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर रोज मैं नहीं लाती हूँ। बस ये नीचे से सीख चुके होंगे, मैंने गैस को बंद कर दिया है और चीज भी मेल्ट हो गई है। मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे साथ में और कोई नया नाम नहीं दिखा है मुझे, बहुत कम दोस्तों बहुत कम कमेंट आते हैं, और कमेंट के पैसे नहीं लगते, लाइक के पैसे नहीं लगते, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ। चलिए अब मैं इसको सर्व करने का तरीका दिखा रही हूँ। इसको आप मोड़ के भी रख सकते हैं और ऐसे सीधा भी देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चलिए तो मैंने इसको निकाल दिया, आप देख रहे होंगे चीज मेल्ट हो चुकी है, और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हम प्लेट की तरफ आ चुके हैं, यहाँ दिखा सकती हूँ मैं दोनों तरफ से, इस तरह से सिक जाता है वो, आप दबा दबा के जितना क्रिस्पी, और इस तरह से भी अभी ये आप इस तरह से मोड़ के रखेंगे बच्चों को तो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मैगी का नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, और बच्चों को तो इस तरह से आप टिफिन में दे सकते हैं, बच्चों को तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि इसमें चीज भी आ गई है, टमाटर केचप भी आ गया है, और इसमें हमने बेसन हेल्दी है, सब्जियां भी हैं, ये नहीं कि सब्जियां नहीं है, इसमें भी आप सब्जी मिला सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसे चटनी सॉस के संग सर्व करिएगा, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है। और वीडियो पसंद आए, अच्छा सीमा जी आ चुकी हैं, यम्मी लिख रही हैं, राधे राधे थैंक यू, आकाश गुप्ता जी ने भी बहुत यम्मी लिखा है, थैंक यू। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है,
और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। अगर आप कोई हमारी वीडियो में लेट आए तो शुरू से देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने बेसन और मैगी और थोड़ी सब्जियों से बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती है, बहुत कम सामान में बन के तैयार हो जाता है। तो आज का वीडियो पसंद आया तो आप सबको पता है क्या करना है। चलिए शाम को फिर एक नई वीडियो के साथ में मिलेंगे। सबको बाय बाय, थैंक यू बहुत ज्यादा।